देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 29 ये आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दी थी, जिन्होंने ट्राई की उनका क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अगर टेक्निकली इसको सॉल्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ये बहुत टाइम खा जाएगा आपका। मैं आपको मेथड बताता हूँ, आपने ट्राई करना है आप ट्राई करें और इसका कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। कैसे, जैसे सपोज़ ये आपको एक वायर गिवन है जो यहाँ से करंट जा रहा है, ऊपर करंट जा रहा है और इस तरीके से करंट जो है वो पूरे वायर में सर्कुलेट कर रहा है, तो ये आपका करंट है। तो एक्चुअल में करंट है कैसा, एक्चुअल में करंट ऐसा है, रुक देना, करंट ऐसे घूम रहा है, ये देखो, ये देखो आप ये कॉपी देख रहे हो 90 डिग्री पे। तो जो करंट है वो कैसे जा रहा है, सिर्फ इसके कोने कोने में देखना है आपने, राइट। तो करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से करंट नीचे आ रहा है, फिर इसकी बाउंड्री में करंट कैसे जा रहा है, बाउंड्री में करंट इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है और फिर इसकी बाउंड्री से होता हुआ बाउंड्री में करंट जा रहा है। तो ये फिगर ऐसी है, इमेजिन कर रहे हो इसे, तो ये फिगर ऐसी बनेगी। आपको क्या करना है, इसमें आपको बी की वैल्यू बतानी है कहाँ पर, इसके सेंटर पे कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे। को रजिस्टर है एक बार दिखाना, ये इसका वो थोड़ा हार्ड ये देखो, देखो तो इसमें ये कुछ ऐसे केस मैंने बताया। अब इसमें अगर मान लो मुझे करंट ऐसे गिवन है, पहले ये वाला लूप देखते हैं, तो पहले सॉल्व ही नहीं करते, पहले क्या करते हैं, अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है तो मैं अपनी चार फिंगर को ऐसे मूव करवाता हूँ, इसको लूप मानता हूँ, मान लो सर्कुलर ना सही रेक्टेंगुलर सही तब भी कोई बात नहीं, चार फिंगर को करंट के साथ मूव करवाता हूँ तो बी कहाँ आएगा, मेरी तरफ। तो इस लूप में जो करंट घूम रहा है ऐसे, उसका बी मेरी तरफ है, यानी कि कौन सा एक्सिस है, आई कैप। और जो बेस नीचे वाला बेस है इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, ये देखो ऐसे घूम रहा है, तो चार फिंगर को अगर ऐसे घुमाएंगे, चार फिंगर को ऐसे घुमाएंगे तो बी कैसे आएगा, ऊपर। तो सामने वाली लूप का बी कैसे है, ऐसे एक्स एक्सिस, और अगर ऐसे घुमाएंगे फिंगर्स को तो बी कैसे आएगा, ऊपर। तो बी ऊपर का मतलब कौन सा, वाई कैप। तो मेरा आंसर आई कैप प्लस जे कैप में आएगा, पक्की बात है, सॉल्व नहीं किया मैंने, आंसर आई कैप प्लस जे कैप में ढूंढना है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचे क्या, दो, चलो कम से कम दो तोड़े, ठीक है यहाँ तक। तो पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट क्लियर है कि आपने कैसे दो ऑप्शंस इसमें से एलिमिनेट कर दिए। अब सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सपोज ये आपके सामने एक फिगर है, स्क्वायर लूप है, रेक्टेंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, उसने बोला स्क्वायर है, तो स्क्वायर के यहाँ पे आपको बी निकालना है। तो आप एक काम करेंगे, इसमें जैसे ये वाली वायर लेंगे, ये वाली जो ये वाली वायर है ये ओ पॉइंट है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। आप सोचो ना, ये वाला एंगल जो क्या बनेगा, 90 डिग्री, तो आधा आधा क्या बनेगा, 45 एंड 45। तो ये स्टेप समझ में आया, 45 एंड 45। तो यानी कि अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं इस वायर की वजह से यहाँ पे, तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए। ए क्या होगा, ये पूरी की पूरी साइड ए होगी, यानी कि जो ये साइड है वही ए साइड है, ए साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, इसको संभाल के रख लेना, ठीक है यहाँ तक। फिर इस वायर की बात करते हैं, जो ये वाली वायर है इस वायर के साथ ही एक पॉइंट है, तो एक एंगल क्या बनेगा, 0, और एक एंगल क्या बनेगा, 45। तो फिर से बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, आई बाई ए के बाद क्या करेंगे, इसमें आई बाई ए भी नहीं, रादर अगर ये साइड क्या है, अगर ये साइड ए है तो ये आधी है, आधी कितनी है, ए बाई 2, क्योंकि अपने को तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, ए बाई 2 साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 0। फिर वही बी का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, तो ये ऐड करना पड़ेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई कैप। फिर ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, इस बेस का निकालना पड़ेगा, बेस में भी ये बड़ी वाली वायर वैल्यू सेम ही निकलेगी, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जो बी ऊपर से एक यहाँ से निकलेगा तीन वायर्स का, वही भी नीचे का भी निकलेगा। तो बस फर्क है कि एक कहाँ पे निकलेगा आई कैप में, एक कहाँ निकलेगा जे कैप में, तो ऐड करके कैलकुलेट करके आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा। लंबा क्वेश्चन है, पॉइंट समझ में आया कैसे करना है इसमें, तो लंबा क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको एक एक वायर का रफ में इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, ठीक, मैंने किया नहीं वैसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, बाकी किए मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था।
क्वेश्चन नंबर थ्री, ये लास्ट टाइम शीट में नहीं हुआ हमारी? अच्छा लास्ट टाइम हमने शीट में किया था ना, वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, लास्ट क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर का, मेरी शीट का ही क्वेश्चन है, मैं अभी करवा दूंगा उसमें से करवा दूंगा। तो जिसमें एंगल ये थीटा बाई टू था और एक इन्फिनिटी था, एक थीटा बाई टू था और एक इन्फिनिटी था, तो वहाँ से करना है, मैं अभी दोबारा दिखा दूंगा अभी आपको, दो मिनट रुको, यहाँ किया नहीं हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में ये पूरा आर्क है, इस पूरे आर्क ने एंगल यहाँ पर क्या बनाया, 270, 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, तो बी का फॉर्मूला लगा लेना, म्यू नॉट बाई 4 पाई थीटा आई बाई ए, थीटा की जगह 3 पाई बाई 2, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सीधा आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर के बाद। क्वेश्चन नंबर फाइव, बी पार्ट, इसमें अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एज, स्क्वायर गिवन है, लेंथ गिवन है और करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है। जब हमने बायट सर्वट लॉ किया था, उसकी पहली एप्लीकेशन की थी, तो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल की वजह से बी निकाला था। तो अब हमें एक पार्ट तो वहीं से पता लग ही जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ दिस कंडक्टर फॉर्म अ सिंगल सर्कुलर टर्न, यही लेंथ जो कि 4L है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, 4L को सर्कल में, 4L इज इक्वल टू 2πr, तो 4L इज इक्वल टू 2πr से r कैन बी कैलकुलेटेड, तो रेडियस आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, कह रहे सेम करंट है I, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, तो सेंटर पे सर्कुलर लूप के सेंटर पे बी क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4π 2π आई बाई आर, आर की जगह आर कैसे निकालोगे, 4L इज इक्वल टू 2πr, तो आर की वैल्यू 4L बाई 2π, तो वहाँ से आर पुट करके आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, 4L जो लेंथ है इज इक्वल टू 2πr करना है, क्योंकि ये वायर किस में कन्वर्ट होने वाली है, सर्कल में, तो फिर उसका निकलेगा सर्कल का रेडियस, फिर सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला लगेगा, सर्कल का फॉर्मूला लगेगा रादर म्यू नॉट बाई 4π 2πi बाई आर, वहाँ से आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, कोई डाउट इसमें?
ओके देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, क्वेश्चन सेवन, सेवन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर एट में डाउट हो गया? एट नाइन टेन, नाइन में यहाँ पर पाई बाय थ्री, अच्छा हाँ पाई बाय टू नहीं आएगा, सॉरी पाई बाय थ्री आएगा, राइट गलत किया है, पाई बाय थ्री आएगा, राइट पाई बाय थ्री करना है, राइट ठीक है। नाइन क्वेश्चन नंबर टेन, ठीक है ओके। तो ये शीट थी आपकी, आपकी आपने टेस्ट दिया था संडे को, तो क्वेश्चन हो रहे थे आपसे सॉल्व बी के, अभी करना है आपने, हुए ठीक है। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पेपर में मेंस या नीट में, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी में नहीं आती ऐसी, सिर्फ कंपटीशन में आती है। सब्जेक्टिव शीट नंबर 21 है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 21, ये इतना फेमस क्वेश्चन है, इतने कंपटीशन में आया हुआ है और काफी लोगों का गलत हो जाता है। आप अगर चाहें तो पहले इसे प्लीज एक बार खुद से सॉल्व करें, प्लीज आप चाहें तो एक बार ट्राई करें पहले। करो आप लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दी कि ब्रेक होगी, मैं कह रहा हूं ट्राई करो क्वेश्चन, नहीं तो फिर मैं ही कर देता हूं। देखो इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि एक लॉन्ग वायर है एंड इट इज कैरिंग अ स्टेडी करंट, तो इसमें करंट कैरी कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें सर्कल में उसे बनाया और वन टर्न है, एक बार हमने उसे घुमाया वन टर्न, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज बी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वहाँ पर, बी आ जाती है। तो सर्कल के सेंटर पे बी का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है। अब इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, पहले कितने टर्न्स थे वन, अब उसी लूप को कितने टर्न में घुमा दिया एन, तो कह रहे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। मैंने आपको करवाया था कि अगर एक रिंग है, एक सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, एन सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम हो जाता है, याद है? तो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हर बच्चा इसको एन इंटू बी करके आता है अगर उसने सॉल्व ना कर रखा हो, और इसका आंसर एन इंटू बी नहीं है, इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है इस क्वेश्चन में कि जब वन टर्न है तो लेंथ एल ए मान लो इज इक्वल टू टू पाई आर, तो R की वैल्यू L बाई टू पाई, तो B की वैल्यू म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई आई बाई आर, और R की जगह L बाई टू पाई, इक्वेशन नंबर वन। और जब आप इसी लेंथ को, इसी लेंथ को n टर्न्स में करते हो तो आपका रेडियस भी चेंज हो जाएगा, जो रिजल्ट n टाइम्स किया उसके अंदर लेंथ तो इनफाइनाइट है, मतलब आपने एक रिंग ली R रेडियस की तो मैग्नेटिक फील्ड भी, आपने 10 रिंग ली सेम R रेडियस की तो मैग्नेटिक फील्ड n टाइम बिल्कुल सही रिजल्ट है। पर ये थोड़ी ना कहा जाता है कि लेंथ तो एल ही रहेगी दोनों केस में, लेंथ अगर एल रहेगी तो आपके रेडियस में चेंज आ जाएगा अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स एक की जगह मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दूसरे केस में आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए एन, और रेडियस कितना हो गया आर डैश, तो एल क्या हो गया एन इंटू टू पाई आर डैश, तो यहां से आर डैश आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई आई बाई आर डैश इंटू n, n क्यों आएगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, n तो आना ही आना है नंबर ऑफ टर्न्स का, लेकिन r डैश की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये पुट कर दी मैंने यहां पे। तो जब मैंने यहां पर पुट किया रेसिप्रोकल लिया, तो n की जगह क्या हो गया n का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को जब डिवाइड किया आंसर n स्क्वायर भी, कॉमन मिस्टेक और कॉमन क्वेश्चन आने वाला। तो जब आपके पास एक लेंथ l है उसी का आपने एक टर्न बनाया, उसी के आपने n टर्न्स बनाए, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्लियर है? हाँ, अगर लेंथ दोनों केस में सेम है, लेंथ की कोई कमी नहीं है आपके पास, रेडियस दोनों में सेम है, हाँ फिर आंसर एन टाइम्स ही रहेगा। पर अगर लेंथ लिमिटेड है, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स घुमाने हैं आपने, तो फिर ऑब्वियसली आपका रेडियस चेंज होना ही होना है। तो याद रहेगा ये रिजल्ट, तो सीधा सॉल्व नहीं करना, रिजल्ट यूज करेंगे सीधा। क्लियर है? इसके बाद ये क्वेश्चन है, मेंस का हुआ क्वेश्चन है, वायर कैरिंग अ करंट आई इज इन द शेप ऑफ प्लेन कर्व, ये रहा कर्व, प्लेन कर्व आई, और दिस कर्व इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, डी थीटा रादर। मुझे कैसे पता लगा? मेरे को फिगर गिवन नहीं है, इसमें मेरे को ये गिवन है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो कुछ नहीं, फंक्शन ऑफ थीटा है आर की वैल्यू इसमें, आर एंड थीटा बीइंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये मैथ्स वाले समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स है, कुछ नहीं है जी, आर और थीटा की फॉर्म में डिपेंडेंसी है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल विल बी इक्वल टू व्हाट। मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोली जा रहा है, वो छोड़ दो, ऑप्शन तो देख लो, ऑप्शन में डी थीटा की बातें कर रहा है, आर की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आर तो समझ में आ रही है, वो आर का कहीं ना कहीं एंगल क्या बना रहा है, डी थीटा, तो फिगर तो यही बनेगी डी थीटा के साथ, तो डी थीटा के साथ अगर फिगर बनेगी तो स्मॉल आर डी भी कितना जनरेट करेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी थीटा आई बाय आर, वो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट तो लगाई नहीं इसने, तो इंटीग्रेशन की कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो आप ऑप्शन ढूंढ लेना, बस यही ऑप्शन है, अब कुछ नहीं किया उसने, बस ऐसी बार आर्क का पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा किया कि बच्चा बस क्वेश्चन में उलझ के रह जाए, लेकिन मेरे को भी समझ में आया वो क्या बता रहा है, सच बताऊँ मैंने ऑप्शन देखी तो समझ में आया कि वो डी थीटा की फॉर्म में कुछ आंसर पूछ रहा है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, यहाँ पर क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, जैसे ये डिस्क का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद भी कर लेंगे हम, क्या रिंग के बाद डिस्क ने तो आना ही आना है ना, ये तो मतलब फैमिली है पूरी, अभी रिंग का भी निकाला, अब डिस्क का भी तो निकालना ही पड़ेगा साथ में। तो अब क्या है, अब फोटोग्राफ रिकॉर्ड ऑफ रेडियस आर, तो फोटोग्राफ रेडियस आर है, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो इसके ऊपर क्या बिछा हुआ है, चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरे इलेक्ट्रोस्टैट जैसा लग रहा है, क्यों चार्ज, चार्ज कहाँ से आ गया, स्टैटिक चार्ज है, इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, डिस्क घूम रही है विद ओमेगा, भैया डिस्क घूम रही है तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो उसमें करंट होगा, वो करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो कह रहा है कि बताओ सेंटर पे बी कितना है, ठीक, तो डिस्क पे चार्ज जो है वो कैसे है, ये पूरी डिस्क है, हर बार की तरह डिस्क किससे बनी होती है, रिंग से, तो डिस्क का रेडियस मान लो इसमें कैपिटल आर है, तो रिंग जो मैंने बीच में कंसिडर की उसका रेडियस स्मॉल आर है, और थिकनेस रिंग की कितनी है, डी आर है, तो पूरी डिस्क के ऊपर चार्ज क्यू है, तो मेरी रिंग के ऊपर शेडेड चार्ज कितना है, डी क्यू है, क्यू है तो डी क्यू है, कोई डाउट इसमें, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपको डी क्यू की वैल्यू अगर मैं पूछूं क्या है, मैं रिंग पे काम क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं रिंग पे इसलिए काम करना चाह रहा हूँ क्योंकि रिंग के अंदर अगर आई करंट है तो रिंग के सेंटर पे बी मुझे निकालना आता है, रिंग के सेंटर पे बी मुझे निकालना आता है, अब मुझे किसका निकालना है, डिस्क का निकालना है, पहले मैं रिंग का निकाल लूँगा, इंटीग्रेट करके अपने आप डिस्क आ जाएगा, तो अगर ये मेरे पास रिंग है, इस रिंग का चार्ज अगर निकालना है तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत क्वेश्चन किए, टोटल चार्ज कितना है डिस्क पे क्यू, टोटल एरिया कितना है डिस्क का पाई आर स्क्वायर, और रिंग का एरिया कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर, तो रिंग का एरिया 2 पाई आर सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, डी क्यू आ गया, अब डी क्यू आ गया जो करंट होगा रिंग के अंदर, हम अपना काम रिंग भी करने वाले हैं, रिंग पे स्मॉल करंट क्या होगा, डी आई क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, तो चार्ज कितना है डी क्यू और टाइम पीरियड कितना है एक चक्कर का टी, तो डी क्यू चार्ज है रिंग के ऊपर और एक चक्कर का टाइम कितना है कैपिटल टी, क्या पॉइंट क्लियर है, डी क्यू और कैपिटल टी, अब प्रॉब्लम क्या है, एक चक्कर का टाइम पीरियड मेरे को गिवन नहीं है, मेरे को ओमेगा गिवन है और मुझे सर्कुलर मोशन में पता है टी क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला गया तो ये डी आई आ गया, इस डी क्यू की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के यहाँ पे पुट कर दी तो आपके पास क्या जाएगा, डी आई आ जाएगा, पर अभी रुक जाओ बाद में पुट करते हैं, डी आई आ गया, रिंग में अगर करंट डी आई है तो रिंग के सेंटर पे डी बी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई करंट इन रिंग अपॉन रेडियस आर, किसका रेडियस, रिंग का छोटा आर, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड किसका निकाल रहे हैं, रिंग का निकाल रहे हैं और रिंग का रेडियस कितना है स्मॉल आर, समझ में आया यहाँ तक, इस डी आई को ऊपर से नीचे पुट कर दिया बोरा तो सॉल्व करके आपके पास डी बी आ गया, डी क्यू की वैल्यू पूरी की पूरी ये उठाई यहाँ से, ये पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो आपके पास ये टर्म आ गई, कैंसिल करने के बाद ये टर्म आ गई और मेरे को रेडियस कहाँ से कहाँ निकालना है, जीरो से कैपिटल आर, क्योंकि डिस्क मेरी जो रेडियस है उसका कितना है, जीरो से लेके कैपिटल आर इंटीग्रेशन किया
तो ये आर की वैल्यू आई, आर सी आर कैंसल, ये डिस्क के ऊपर अगर चार्ज क्यू है और डिस्क अगर घूमती है तो उसके सेंटर पे इतना बी जनरेट होगा। मैं तो रिकमेंड करता हूँ इसका फॉर्मूला लिख लो और डन करो, कई बार आएगा ये इसका फॉर्मूला ही कर लो, अगर मतलब अगर आप कर सकते हो पेपर में तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पर अदरवाइज आप क्या कर सकते हो इसका फॉर्मूला लिख लो, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मतलब पहले काम किस पे चलेगा, रिंग पे, फिर काम किस पे चलेगा, डिस्क पे। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यार एक तो ऑनलाइन हो, ऊपर से यस भी नहीं बोलते यार। यस सर। हाँ तो यार कम से कम इतना तो करो यार। ठीक, देखो रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, पॉलीगन की एन साइड्स, ये पॉलीगन है, कितनी साइड, मुझे खुद नहीं पता कितनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं, इसमें करंट है, इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो टोटल पॉलीगन की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। अब पॉलीगन की लेंथ वैसे कितनी है, ए जो मैंने ली है, तो ये ए ए ए ए ए ए करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे कितने टाइम्स हो जाएगी, एन ए, क्योंकि एन साइडेड पॉलीगन है तो एन ए आ गई, एन ए इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर। इसे इक्वेट करके पहले तो ए निकाल लिया, तो साइड ऑफ पॉलीगन आ गई हमारे पास। मेरे को इस पॉलीगन के सेंटर में बी निकालना है, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, पहले एक वायर लूंगा, इस वायर की वजह से बी निकालूंगा और फिर रिजल्ट को एन से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ऐसी एन साइड्स हैं। पहले एक वायर ले लें, ये मेरे पास एक वायर है, एक वायर की साइड क्या है ए, और मेरे को बी कहाँ निकालना है सेंटर पे, फाइनाइट वायर है, ज्वाइन किया, आधा एंगल अल्फा आधा एंगल अल्फा, याद है साइन साइन फाइव वन पर साइन फाइव टू, फाइनाइट वायर है स्ट्रेट। तो ये डिस्टेंस कितना है एक्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स, जो कि मुझे गिवन नहीं है, तो अगर ये ए है तो आधा कितना है ए बाई टू, तो इस अंदर टेन अल्फा क्या बनेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ए अपॉन टू टेन अल्फा। मेरे को एक्स चाहिए होगा, मेरे को तो ए गिवन है अल्फा गिवन है, पर मेरे को एक्स भी चाहिए, तो मैंने एक्स भी निकाल लिया टेन अल्फा से। तो अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या है इसमें, एंगल अल्फा क्या होगा, ये एक अगर मान लो एंगल, ये एक एंगल किसके इक्वल है, टोटल एंगल पॉलीगन के सेंटर पे क्या बनेगा 2 पाई, और कितनी साइड्स हैं एन, तो एक एंगल क्या बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एन, लेकिन उसको भी हमने क्या किया आधा, तो 2 पाई बाय एन तो है ही है एक एंगल, उसको भी क्या किया हमने आधा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन को 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय एन। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो अल्फा आ गया, बस फाइनल रिजल्ट आ गया। ये आपके पास साइड है, एंगल अल्फा अल्फा है, तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्स, साइन अल्फा और कितने टाइम्स एन टाइम्स, क्योंकि एन साइडेड पॉलीगन है, तो ये टर्म आ गई, तो 2 साइन अल्फा, एक्स की वैल्यू ये उठाई मैंने और यहाँ पे पुट कर दी, तो एक्स की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे ये सॉल्व करके टर्म आ गई, टेन अल्फा को क्या लिखा साइन बाय कॉस लिख दिया, तो साइन इंटू साइन क्या बन गया साइन स्क्वायर बन गया, अपॉन क्या आ गया कॉस आ गया, एंड में अल्फा पुट करना है, दोनों अल्फा की जगह पाई बाय एन, ऐसा ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, तो जो लोग बुक सॉल्व कर रहे हैं डीसी पांडे में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। आइडिया क्लियर है? आधा तो मैथ्स ही है इसमें, फॉर्मूला फिजिक्स का तो एक ही है बी निकालने का स्ट्रेट वायर का। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस पॉलीगन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में इसमें से कुछ नहीं आना, पर हाँ आप फंस सकते हैं अपने डीसी पांडे या कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक करते हो, आपको पता होना चाहिए डिस्क का कैसे करना है पॉलीगन का कैसा करना है, तो ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट इसमें 21 के बाद एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ये मैं इसके प्रिंट आउट भी दे दूंगा आपको, मैंने आज ही बनाई है वैसे, दो क्वेश्चन रह गए थे एक्चुअली में, तो मेरे सब्जेक्टिव शीट में ही थे वैसे, तो लोगों ने मेरे से पूछे भी, तो मुझे लगा मेरे को डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि पूरी शीट में दो क्वेश्चन ही डाउट होते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर ये रिंग में करंट है, अगर रिंग में करंट होता है तो सेंटर पे बी पूछना हो तो आप निकाल ही लोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, पर रिंग में करंट जा कैसे रहे, रिंग में करंट आया, कुछ करंट ऊपर चला गया I2, कुछ नीचे चला गया I1, और फिर टोटल करंट I बाहर आ गया,
अब ये दो वायर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। इस आर्क ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया, थीटा वन, और इस आर्क ने कितना बनाया, थीटा टू। तो एक आर्क बड़ा एंगल बना रही है, एक आर्क छोटा एंगल बना रही है, थीटा वन एंड थीटा टू। आपको बी की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एट सेंटर। कोई डाउट इसमें? तो रूल बड़ा सिंपल है, ये एक आर्क है, इसने एंगल कितना बनाया, थीटा वन, तो बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा वन आई वन बाय आर, डन। थीटा टू वाली आर्क क्या बनाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा टू आई टू बाय आर, तो बी वन बी टू आ गया। अगर हम डायरेक्शन की बात भी कर लें तो इसकी डायरेक्शन इनसाइड है और इसकी डायरेक्शन आउटसाइड है। चेक कर लो राइट हैंड से, ये इधर करने जा रहा है तो आउटसाइड है, और ये इधर आ रहे तो इनसाइड है। तो एक भी अंदर जा रहा है, एक भी बाहर आ रहा है। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्शन फिर से ये लो ऐसे, ये राइट मैं इधर खड़ जाता हूँ, उधर मुश्किल हो रही थी मेरे को, वैसे मैं इधर खड़ता हूँ। इसमें करंट कैसी है, ये रहा इनसाइड, इसमें करंट कैसे है, ये रहा आउटसाइड, ठीक है। तो एक इनसाइड एक आउटसाइड, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, ये दोनों वायर्स किस में, मान लो इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर वन, इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर टू, कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो पैरेलल, तो ओम लॉ क्या कहता है, या इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वी पैरेलल में सेम रहेगा, कितना, आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू। कोई डाउट इसमें? तो आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, राइट। अब ये बताओ कि ये सेक्टर है, इस सेक्टर में एंगल क्या होगा, मान लो ये आर्क एल वन है, एंगल थीटा वन इज एल वन बाई आर, तो यहाँ से एल वन क्या आएगा, थीटा वन इंटू आर। ऐसी ऊपर वाली आर्क में क्या आएगा, ऊपर वाली आर्क में ऐसी एल टू इज इक्वल टू थीटा टू इंटू आर। जो नीचे की वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, रो एल वन बाई ए, रो एल बाई ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल वन किसके इक्वल है, थीटा वन आर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा वन, क्योंकि ना तो रो चेंज हो रहा है ना आर ना ए, तो रेजिस्टेंस थीटा वन के प्रोपोर्शनल है। और ऐसी ऊपर वाली वायर में रेजिस्टेंस थीटा टू के प्रोपोर्शनल है। तो मेरे को पता लग गया कि रेजिस्टेंस जो एंगल थीटा वन है आर वन के प्रोपोर्शनल, एक काम करते हैं यहाँ पर आर वन पुट कर देते हैं और यहाँ पर थीटा टू की जगह आर टू पुट कर देते हैं। तो मेरा बी का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया थीटा वन की जगह आर वन, थीटा टू की जगह आर टू। अब मुझे ये पता लग गया आई वन आर वन और आई टू आर टू बराबर है, तो ये तो बराबर हो गया, यानी कि बी वन की और बी टू की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम आ गई। और अगर सेम आ गई, एक भी आउट है एक भी इन है, तो आपस में दोनों वैल्यूज क्या कर जाएंगी, कैंसल, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो आज की बात, ये क्वेश्चन अगर आया सॉल्व तो ना करना है, ये कौन कर रहा है, ये तो बस मेरी बात आपने सुन ली। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आई कि करंट आया डिवाइड हो गया ऊपर नीचे और आप बी सेंटर में पूछा जा रहा है, तो आंसर सीधा क्या आप मार्क कर रहे हैं, जीरो। क्लियर है यहाँ तक? मतलब आप वहाँ ट्राई करोगे 5 मिनट खराब करोगे, यहाँ सिर्फ 10 सेकंड में लोग कर देंगे सॉल्व, ठीक। एक और क्वेश्चन लोगों ने डाउट पूछा था, ये भी बता देता हूँ, बुक्स में गिवन होता है। एक वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से आई सेमी सर्कल बनाया और वायर इधर जाने की बजाय ना बोर्ड के बाहर आ गई। तो मतलब ये जो वायर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, और फिर फाइनली ये वायर ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बोर्ड के बाहर है। तो आपको बी कहाँ पे निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है। तो ये हमने ये वाला पार्ट तो किया हुआ है, ये पार्ट कैसे किया, इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री, और यहाँ पे निकालना है बी, तो एक एंगल 0 एक एंगल 90 किया था। तो बी का फॉर्मूला फर्स्ट वायर का 0 और 90, क्लियर है। डायरेक्शन साथ साथ देख लेते हैं, डायरेक्शन में स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में थंब करंट के साथ ये रहा, तो बी कैसे आएगा, बाहर, करंट थंब करंट के साथ, बी कैसे आएगा, आउटसाइड, या तो आउटसाइड लिखो या फिर एक काम करो, ये जो एक्सिस है आउटसाइड वाला वो कौन सा एक्सिस है, एक्स, तो आप इसके पीछे क्या लिख दो, आई कैप, एक ही बात है। आउटसाइड कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, कैसे एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वायर कहाँ आ रही है, एक्स के अलोंग, तो पीछे क्या आएगा, आई कैप। क्या स्टेप क्लियर है? फिर हम किसके लिए लगाएंगे, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, यही फॉर्मूला होता है। और डायरेक्शन क्या होगी, चार फिंगर ऐसे घूमेंगे तो थंब कहाँ आएगा, बाहर, बाहर फिर से कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो फिर से पीछे क्या आएगा, आई कैप, क्लियर हो गया। फिर तीसरी वायर ये रही, जो तीसरी वायर है उसका कुछ ऐसा केस है कि वो वायर ऐसी है, इनफाइनाइट ऐसे आ रही है,
तो इसमें एक एंगल क्या है 0 और एक एंगल क्या है 90, 0 और 90। तो फॉर्मूला में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 0 प्लस साइन 90। डायरेक्शन, करंट कहाँ पर है, करंट जा रहा है बाहर, थंब कहाँ पर है बाहर, बी कहाँ निकालना है सेंटर पे, चार फिंगर घुमाएंगे तो ऐसे घूमेंगी तो बी कैसे आएगा लेफ्ट की तरफ आएगा, तो थंब इधर जा रहा है तो बी कैसे आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट, तो लेफ्ट अगर जाएगा तो राइट अगर वाई एक्सेस है तो लेफ्ट क्या है माइनस वाई एक्सेस, तो यानी कि माइनस जे कैप। ये पॉइंट समझ में आया। फिर देखो करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है, जब करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है तो इमेजिन करो मेरी चार फिंगर ये ऐसे घूम रही हैं, ये देखो ये घूम रही हैं ऐसे घूम रही हैं, और ये वो पॉइंट है ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट फिर यहाँ लेके जाएगा आपको राइट। जैसे ये वायर है पॉइंट ऊपर है, थंब इधर पॉइंट ऊपर है तो कहाँ पर आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, लेफ्ट तो लेफ्ट आएगा तो माइनस जे कैप है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव में या जो भी क्वेश्चन आएगा उसका फाइनल आंसर इन तीनों का वेक्टर सम होगा, एक आई कैप में है, एक आई कैप में, एक माइनस जे कैप में है, यहाँ से कॉमन निकाल के ऑप्शन मार्क कर लेना। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल डाउट के फॉर्म में देखा गया है, ये क्वेश्चन लोग काफ़ी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं, दोनों के दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे आपको। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा रिजल्ट जो कि आपने करना नहीं है, नहीं करना, 57 नंबर शीट है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, प्रूफ नहीं करना, लिख दो उसके ऊपर, एंड का रिजल्ट करना है, बस एंड रिजल्ट करना है। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट टाइम बुकलेट मिल जाएगी, वैसे आपकी बैच को तो मिल भी सकती है अभी शायद, कितने स्टूडेंट्स हैं देखता हूँ, जाते अभी दे दूंगा बुकलेट, बैठा है वो अभी, चलो देखता हूँ भाई जाते हुए देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, मुझे मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक का नाम क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ सोलिनॉइड। अरे आपको के सोलिनॉइड तो किया हुआ है, सोलिनॉइड के एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कितना म्यू नॉट एन बाय म्यू नॉट एन आई, याद करो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो एक्सियल लाइन पे म्यू नॉट एन आई, पर हमारा जो सोलिनॉइड था, याद करो जो एनसीईआरटी की डेरिवेशन थी एम्पियर सर्कट लॉ की, उसमें जो सोलिनॉइड था वो लॉन्ग सोलिनॉइड था, मैंने बताया था लंबा इनफाइनाइट सोलिनॉइड है, ये लंबा सोलेनोइड नहीं है, ये छोटा सोलेनोइड है, फिक्स्ड लेंथ का है। अब आपको एक्सिस पे बी निकालना है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला बिल्कुल कर चुके हम, म्यू नॉट एन आई 99.999% या 100%, ये तो मैंने देखा नहीं आज तक, फिर भी एक आध कोई क्वेश्चन घूमा भूला भटका आ भी सकता है, 99 या 100% इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड गिवन होता है, पर फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है, जो मैं आप करने जा रहा हूँ रिलैक्स हो जाओ, समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, पूरी ज़िंदगी नहीं कोई पूछेगा ये कैसे आया। ठीक है, मैं तो फ्री था, मेरे को तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो लिख ही जाऊँगा शीट्स। ठीक है, अब बोर भी तो हो जाते हैं ना यार, तो हमने भी शीट लिख दी, बायट सर्वेट लॉ से इसकी कैलकुलेशन करके दिखाई है, जबकि सोलेनोइड कैसे किया जाता है एम्पियर सर्कट लॉ से, मैंने कहा था बायट सर्वेट लॉ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स देखो क्या होगा, और तभी मैंने इसको पहले नहीं करवाया, आपका सोलेनोइड से मन ना उठ जाए यार कि यार ये बेकार है, इसलिए मैंने आपको आसान करवा दिया पहले, और आना भी वही है, तो मेरा काम तो डन है, मतलब मेरे हिसाब से मेरा तो, आप ये लगाओ कि कोई भी अगर मैं नहीं भी करवाऊंगा ना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट एक फॉर्मूला मैं करवाना चाहता हूँ उसके लिए, और ये भी दिखाना चाहता हूँ कि देखो लोगों ने पहले बायट सर्वेट लॉ ही यूज़ किया था, फिर लोगों को लगा यार ये जो बच्चों को कराएंगे तो या तो बहुत ख़राब हो जाएगा काम, बच्चे डर जाएंगे फिर एक से, तो फिर एम्पियर ने अपना एक शॉर्टकट बताया। तो क्या है इसमें, ये एक सोलेनोइड है, आई करंट है, एक इस सोलेनोइड, ये सोलेनोइड ही है, इस ये होल्स कुछ नहीं है, ये ऐसा है इमेजिन करो, ये देखो इसमें से वायर आ रही है और इसमें एंटर कर रही है, वायर आ रही है एंटर कर रही है, तो बेटर है आप यहाँ पे ना, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं डॉट 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 क्रॉस 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 एंड क्रॉस। अब समझ में आएगा, डॉट का मतलब है यहाँ से करंट आ रहा है और क्रॉस का मतलब एंटर करंट, यहाँ वायर आ रही है करंट इसमें एंटर कर गया, फिर पीछे से घूम के फिर करंट आया एंटर कर गया,
करंट आया, एंटर कर गया, करंट आया, एंटर कर गया, तो ये पूरी वायर का जाल हटा दिया, बस करंट दिखा दिया, ऐसे ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? क्योंकि अंदर डायग्राम भी बनना है ना, कन्फ्यूजन हो जाती है नहीं तो। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या किया हमने, फाइनाइट है, फाइनाइट में ये जो सोलेनोइड है ये किसका बना हुआ है, बहुत सारी रिंग्स का बना हुआ है, तो हमने एक सोलेनोइड का एक छोट, वैसे इसकी लेंथ तो एल है, इसका एक पोर्शन कंसिडर कर लिया, या एक और काम किया, मुझे यहाँ पे बी निकालना है एक्सिस पे, ये जो बी मैंने निकालना है, ये बी कैसे निकलेगा, मान लो आपका सोलेनोइड यहाँ से यहाँ तक है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये सेंट्रल लाइन है, तो यहाँ से इस कोने का एंगल बना अल्फा, और यहाँ से उस कोने का एंगल क्या बना, बीटा। बाइट सवर्ड लो क्या कर सकता है, वही तो करता है, एक एंगल ढूंढ लेता है अल्फा, एक एंगल ढूंढ लेता है बीटा, तो एक एंड का एंगल अल्फा, एक एंड का एंगल बीटा, तो आपकी वायर अल्फा से बीटा तक लाई करती है। फिर वो क्या करता है, एक एक्स डिस्टेंस पे जहाँ पर बी निकालना है उसके परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे एक पोर्शन कंसिडर करता है जिसकी लेंथ क्या लेता है, डी एक्स। तो ये डी एक्स है, और यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पर क्या है, सर्कुलर वायर्स ही तो जा रही हैं, यहाँ पर इमेजिन करो सर्कुलर वायर्स हैं, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये पता नहीं, क्योंकि तो कई जाल बिछा होगा सोलेनोइड में, तो आपने एक सोलेनोइड का पोर्शन कंसिडर किया, उसमें पता नहीं एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो है क्या, सोलेनोइड बना हुआ है सर्कुलर टर्न से, तो एक सर्कुलर टर्न एक्स डिस्टेंस पे बी क्या लगाता है, हमने ये रिंग का फॉर्मूला किया हुआ है सोलेनोइड में, हमने बाइट सबर्ट लॉ में अगर एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, एक्स डिस्टेंस पे अगर आपको बी निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने किया हुआ है, और लेकिन हमें क्या पता कि इस डी एक्स पोर्शन में कितने टर्न्स हैं, तो मान लो इसमें कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इमेजिन कर लो छोटा एन एक नई टर्म आ रही है जिसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमने कितनी लेंथ ली, डी एक्स, तो डी एक्स में नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनेंगे, एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी एक्स से, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गए, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, तो एन की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, और लास्ट इसमें रिजल्ट है टेन फाइ। इसके अंदर एक काम करते हैं, जो एलिमेंट लिया वो आपने कितने एंगल पर लिया, लेट अस सपोज ये एंगल कितना है फाइ, और इसने छोटा सा एंगल क्या बनाया, डी फाइ, तो यहाँ पे टेन फाइ क्या होगा, x डिवाइडेड बाई आर, एक्स बाई आर, तो ये टेन फाइ लिया x बाई आर, एक्स की वैल्यू ली, इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके क्या आ गया, डी एक्स आ गया। एक काम करते हैं, ऊपर के रिजल्ट में यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब डी वी का जो फॉर्मूला था उसमें क्या रहा था, नंबर ऑफ टर्न्स n, n की जगह क्या पुट कर लिया, n इंटू डी एक्स। अब मैंने आपको x बता दिया ये रहा, मैंने आपको डी एक्स बता दिया ये रहा, x और डी एक्स को यहाँ पुट करें, सॉल्व करें, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, एंड में बस ये आएगा, और लिमिट्स पुट करें माइनस अल्फा से बीटा, लिमिट पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, आपने कोई प्रूफ नहीं करना, आप प्लीज़ ये फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो, फॉर्मूले को बॉक्स में डालो, आपने कोई प्रूफ नहीं करना, कि कल को अगर फाइनाइट सोलेनोइड आ जाता है तो फाइनाइट सोलेनोइड के सेंटर पे या कहीं पर भी एक्सिस पे बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू पाई आई इंटू एन साइन बीटा साइन अल्फा। मुझे एक बात बताओ, अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ है दोनों तरफ से तो अल्फा बीटा क्या पुट करेंगे, 90, तो जैसी अल्फा बीटा ये देखो 90 पुट करेंगे आपका वही पुराना रिजल्ट आएगा म्यू नॉट एन आई। तब एक बार आपको वैल्यू पता लगी एम्पियर सर्किट लॉ कि बंदे ने जो किया ठीक किया, जिंदगी आसान कर दी, नहीं तो करते रहते ये तीन नंबर के लिए फाइट इसके लिए, ठीक है, तो इतना बड़ा कौन करेगा, इसलिए आपके एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, ये हटा के सिर्फ इनफाइनाइट कर दिया, फाइनाइट वो कर नहीं सकते थे, बच्चों को मुश्किल लगेगा तो इनफाइनाइट कर दिया। क्लियर है? बाकी ये स्पेशल टर्म, ये स्पेशल क्वेश्चन हैं, जैसे वही जो हमने बाइट सर्विट लॉ में किए थे कि अगर आपका पॉइंट इस कोने पर लाई करता है, अब कोने पे लाई करने का मतलब एक एंगल क्या होना जीरो और एक इनफाइनाइट है तो एंगल क्या होना पाई बाय टू, तो एक एंगल जीरो एक एंगल पाई बाय टू, तो आपका आंसर ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय टू, ठीक है। ऐसी अगर बिल्कुल सेंटर पे निकालना है आपको, एग्जैक्टली सेंटर पे निकालना है बी सोलेनोइड के, तो सेंटर पे अल्फा और बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। तो यहाँ से अगर ये टोटल लेंथ अगर मान लो ये आर है और ये टोटल लेंथ एल है तो आधी लेंथ क्या है, एल बाय टू, तो यहाँ से ये L बाई टू ये R, तो tan बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो L बाई टू बाई, या sin बीटा की वैल्यू L बाई टू बाई दिस डिस्टेंस, ये देखो, ये आगे आपकी कैलकुलेशंस है आप कैसे पुट करते हैं, बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि
कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, बस इतना ही सफिशेंट है कि बस ये समझ में आया कैसे हुआ। तो इस शीट में और कुछ नहीं है करने वाला, इस शीट में यही फॉर्मूला है और सिर्फ फॉर्मूला ही करना है आपने और कुछ नहीं करना। डन, क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखना भी नहीं प्रूफ को। ठीक, नेक्स्ट है, कुछ करना आपने। फिफ्टी एट नंबर शीट का ये मैंने नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आपका डाउट था, ये देखो शीट का ऑब्जेक्टिव का, याद आ रहा है? तो ये हमने किया था आपके ना, जो शीट है जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ऐसा आंसर नहीं है उसके अंदर आपको ना, ये मेडिकल वालों के लिए नहीं है। नॉन मेडिकल वाले क्या करेंगे, वन प्लस कॉस थीटा बाई टू को क्या पुट करेंगे, टू साइंस स्क्वायर, साइंस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, साइंस स्क्वायर, तो टू साइंस स्क्वायर की फॉर्म में से कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा था इसमें जो ऑब्जेक्टिव गिवन है, राइट? तो ये हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो है इसमें 60 के अंदर बाइट सर्वेट लॉ में, ये मेडिकल और नॉन मेडिकल में ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाला, क्या कि आपके सामने ऐसा ये स्पाइरल की फॉर्म में ये वायर है, गोल 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 घुमा रहा, ये रहा सबसे पहला जो रिंग है उसका रेडियस ए है और आखिरी वाले का क्या है, बी है। तो आपका रिंग कहाँ से कहाँ, मतलब रिंग्स ही रिंग्स है एक तरीके से, घूमता 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 जा रहा है स्पाइरल, तो कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी तक, राइट? तो ए से लेके बी तक, और इसमें कितने टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें करंट घूम रहा है, इसमें आई सेंटर पे बी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सबसे पहला रेडियस क्या रिंग का, ए, और आखिरी रेडियस क्या है, बी, करंट ही घूमता जा रहा है, आपको बी सेंटर पे निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की, प्रॉब्लम यह है कि इसमें हर रिंग का रेडियस क्या हो रहा है, चेंज, और जब चेंज होता है तो इंटीग्रेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि बहुत सारी रिंग्स हैं और आपने इसका छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया, जैसे डिस्क में नहीं करते, इमेजिन करो ये पूरी रिंग्स की बनी हुई डिस्क है और डिस्क का एक स्मॉल पोर्शन आपने रिंग कंसिडर कर लिया जिसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। तो इसमें ये, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे शेडेड पोर्शन में, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए काम करते हैं, बाहर का रेडियस बी है, अंदर का रेडियस ए है, तो ये दूरी कितनी है इनके बीच में, b माइनस ए। तो अगर b माइनस ए लेंथ है आउटर और इनर रिंग की, तो नंबर ऑफ टर्न्स बीच में लाई क्या करते हैं, n, और अगर वन टर्न है तो n अपॉन b माइनस ए, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है रिंग, स्पेसिंग बराबर है इसमें। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और हमारी लेंथ कितनी है, थिकनेस dr। तो dr में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाय dr, क्योंकि हमने जो पोर्शन कंसिडर किया ये शेडेड किया, और शेडेड की थिकनेस कितनी है, dr। तो dr की के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, dr से मल्टीप्लाई करके ये टर्म, कोई डाउट इसमें? तो किसकी वैल्यू आ गई, ये dn आ गया, dn नंबर ऑफ टर्न, dn, क्लियर है यहाँ तक? अब आंसर आ गया, आप इसके अंदर इसका रेडियस r है जिसको रिंग बोल रहे हैं, उसका b का सेंटर पे वैल्यू क्या होगी, म्यूनोट बाई 4 बाई 2 पाई आई बाई आर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके अंदर, dn, dn हम निकाल चुके हैं, ये रहा dn n dr बाई b माइनस ए, ये पुट कर दिया, तो db आ गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ, इनर रेडियस ए से लेके आउटर रेडियस बी तक, तो ए से लेके बी तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट, 1 बाई आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, एक बार आर की जगह बी, एक बार आर की जगह ए, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, आंसर, ये ऑप्शन मार्क करना है, ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया इसका स्टाइल क्या करने का, पुराने पेपर में मिलेगा आपको, क्लियर है? कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस क्वेश्चन में रिंग्स हैं, रिंग्स हैं, और देखो रेडियस इसका भी बढ़ता जा रहा है, पर एक प्रॉब्लम, ध्यान से, ध्यान से इधर देखो, ध्यान ये देखने वाला है, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे कितनी रिंग्स हैं, इनफाइनाइट है, तो आपको बी सेंटर पे निकालना है। तो अगर आपको बी सेंटर पे निकालना है
और क्वेश्चन में गिवन है जो पहला रेडियस है वो आर है, दूसरा टू आर है, तीसरा टू की पावर स्क्वायर आर है, तीसरा टू की पावर क्यूब आर है, एंड सो ऑन। मेडिकल के लिए नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट रिंग की वजह से बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, और सेकंड के लिए म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 आई बाय 2 आर, थर्ड में रेडियस 2 स्क्वायर बाय आर। अब इंपॉर्टेंट ये कि एक में करंट क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉकवाइज, तो एक में बी अगर आउटसाइड है, दूसरे में इनसाइड, तीसरे में आउटसाइड, चौथे में इनसाइड, तो ऑल्टरनेट साइंस भी लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया सारा, तो कॉमन निकाल के ये क्या बनी मैथ्स में जीपी। तो आप फर्स्ट टर्म अपॉन 1 बाय आर कॉमन रेशियो जो कि माइनस हाफ है आंसर। तो ये स्टाइल भी आप, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो रिंग घुमा घुमा के कितने टाइप के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, कभी डिस्क की फॉर्म में आ रहा है, कभी रिंग की फॉर्म में आ रहा है, कभी एस रिंग की फॉर्म में आ रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ यार, यार पाई भी आएगा, सॉरी पूरे रिजल्ट में पाई आएगा, पाई लगाओ, 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई पाई, हर जगह पाई, यहाँ भी पाई आएगा, करेक्शन करनी पड़ेगी, राइट? पाई से पाई, हाँ ऊपर ही आएगा, सॉरी ऊपर ही आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पाई से पाई, ठीक है कट जाएगा, ठीक है डन, अगले स्टेप में नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तक? क्यूब की प्रॉब्लम्स पीछा कहाँ छोड़ रही हैं, ना इलेक्ट्रोस्टैट में छोड़ रही है, ना इलेक्ट्रिसिटी में छोड़ रही है, ना मैग्नेटिक में छोड़ रही है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में कहा, वीडियो सुन लेना, आपने वीडियो सुन ली तो आपने भी देख लिया कि हम वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो कैसी कर लेंगे, किरचॉफ लॉ लगा के, मर्जी आपकी। फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, मैंने कहा वो वीडियो में कर लेना, की थी वीडियो में, कर लिया होगा जिन्होंने करना होगा, वो भी देख लिया कि कितना लंबा तरीका था क्यूब को सॉल्व करने का। दादा मैंने तीन तीन तरीकों से क्यूब सॉल्व करने सिखाए थे, जिन्होंने वीडियो देखा उसका, देखा कितने लोगों ने देखा है, नहीं देखा वो देखने वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मिस कर रहे हो। उसमें देखने वाला क्यूब नहीं है, उसमें देखने वाला है क्यूब को आखिरी मेथड कैसे मैं 0 वोल्ट 5 वोल्ट 4 वोल्ट से सॉल्व करता हूँ, और बहुत क्विकली सॉल्व होता है वो, टेक्निक इंपॉर्टेंट है, नज़र मार लेना उसे एक बार। क्यूब नहीं आएगा ये बात पक्की है, पर क्यूब का कोई छोटा वर्जन आ गया तो वो टेक्निक आपको बचाएगी, ठीक। आखिरी क्यूब आता है मैग्नेटिक में, ये तो मैं कर दूंगा है, क्योंकि इसमें कुछ करने वाला है ही नहीं, ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई लंबी किरचॉफ लॉ तो है ही नहीं, जहाँ किरचॉफ आता है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, बंदा कहता है यार ये कहाँ आ गया, इसको तो यार राम कहानी है, तो पूरी सॉल्व कौन करेगा बताओ इसे, ऐसी है किरचॉफ लॉ देखेगा तो बंदे का दिल बैठ ही जाता है एक बार, यार अब ये लंबा रास्ता है ना, बिना किरचॉफ लॉ बंदा शॉर्टकट मार दूंगा, किरचॉफ लॉ आना पड़ेगा, बंदा कहता है अब ये 2 मिनट 3 मिनट लेके ही जाएगा, पक्की बात है। तो लो ये आपके पास एक स्केलेटन है, करंट ही करंट है, गिवन है, तो आपको सेंटर पे बी निकालना है। तो आप एक चीज़ देखें कि इसके अंदर अगर करंट यहाँ आ रहा है, इसके ऑपोजिट एक वायर, इसके ऑपोजिट लेते हैं, जैसे नहीं फिर से देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम सिमिट्री देखते हैं, करंट मुझे मुझे बी निकालना है सभी वायर्स की वजह से कहाँ पर, सेंटर पे। तो मैंने सिमिट्री ऐसे देखी, ए एफ और सी एच देख लिया, जैसे यहाँ पर ये ए एफ है और यहाँ पर ये सी एच है, देखो सिमिट्री, ए एफ के बिल्कुल कोने में आखिरी डायगनल सी एच है, तो ए एफ यहाँ पर बी लगाएगा, सी एच भी यहाँ पर बी लगाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, सिमिट्री है ना, कोने और कोना, तो एक ये कोना एक ये कोना। अब प्रॉब्लम क्या है, जो बी इसमें करंट इनसाइड जा रहा है तो बी इसमें जैसे यहाँ पर है, लेकिन इसमें करंट यहाँ पे जा रहा है तो बी इसमें इस तरफ है, तो आप चेक करें यहाँ पे प्रोड्यूस और यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ बी आपस में क्या करेगा, कैंसिल करेगा, चेक कर लो। यहाँ पर अगर करंट जा रहा है तो बी आउटसाइड है, जैसे यहाँ पर करंट जा रहा है तो बी इनसाइड है, तो ये वाला और ये वाला सेगमेंट आपस में क्या कर जाएगा, कैंसिल। फिर ऐसे ही मैंने ढूंढा ए बी और ई एच, ये रहा मेरे पास ए बी और ये रहा मेरे पास ई एच, ए बी ई एच, कोना बाई कोना, मतलब अगर मैं एक कोना ये देख रहा हूँ तो दूसरा कोना वो ज़मीन का देखूंगा नीचे की साइड, बिल्कुल डायगनल देख रहा हूँ मैं इसमें। तो इसमें ए बी और ई एच का भी सेम डायरेक्शन में करंट है, सेंटर पे पॉइंट है, ये बी और ये बी आपस में क्या कर जाएगा, कैंसिल। तो आप जो भी वायर लेंगे उसके पैरेलल ऑपोजिट डायगनल पे एक वायर मिलेगी मिलेगी, वो सारी वैल्यूज आपस में क्या करती जाएंगी, कैंसल, और नेट बी की वैल्यू सेंटर पे क्या आएगी, 0। बढ़िया आंसर, स्केल्टन में क्या आता है, क्यूब में 0, डन हो गया। इसके बाद तो ये भी नहीं करना, क्यूब देखते ही आंसर 0 हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है किसको कैसे या किस टाइप से करना है, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट
सोलेनॉइड हमने किया था, सोलेनॉइड के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने क्या किया, एम्पियर सर्किट लॉ किया। एम्पियर सर्किट लॉ में हमने पांच एप्लीकेशंस की। पहली एप्लीकेशन इनफाइनाइट वायर की, उसका एक भी न्यूमेरिकल आपको मिला नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि वो न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी बाइट सर्विट लॉ से सॉल्व कर लिए थे। फिर दूसरी एप्लीकेशन की शीट की, शीट का एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है दो शीट्स वाला, जो मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया था क्लोज। तीसरी एप्लीकेशन क्या थी, एक वायर की, एक सॉलिड वायर जिसमें करंट है, मोटी वायर, उसके अंदर भी निकालना, उसके बाहर भी निकालना। लास्ट लेक्चर में जो कुछ न्यूमेरिकल किए थे वो सिर्फ उस एप्लीकेशन पे थे। और बची दो एप्लीकेशन टोरॉयड एंड सोलेनॉइड, उसके न्यूमेरिकल ये रहे। तो पांच एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल कैसे चलेंगे समझ में आ रहे हैं। तो पांचों एप्लीकेशन के न्यूमेरिकल में से आखिरी एप्लीकेशन रहेगी, इसको क्लोज करके ये चैप्टर पूरी तरह क्या हो जाता है, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक सोलेनॉइड है, कॉइल ऑफ 300 टर्न्स पर मीटर। तो बोलो क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा एन, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर आई गिवन है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एल गिवन है, एंड हैज रेडियस 1 सेंटीमीटर रेडियस भी गिवन है। रेडियस कौन सा गिवन है, ये वाला सर्कुलर का, ऐसा है ना सोलेनॉइड, सर्कल का रेडियस गिवन है और लेंथ भी गिवन है। अब एक चीज नोट करें, इसमें जो आपकी लेंथ है वो 0.5 मीटर है, ठीक 0.5 मीटर है, एंड इसके अंदर रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, 0.5 मीटर बड़ा होता है, ऐसे ही है। तो रेडियस के मुकाबले लेंथ बड़ी है, रेडियस के मुकाबले लेंथ बड़ी है। तो ऐसे केस में जब लेंथ बहुत बड़ी होती है रेडियस के मुकाबले, इसको लॉन्ग सोलेनॉइड बोलते हैं। या तो वो सीधा देगा कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लॉन्ग सोलेनॉइड की, तो फॉर्मूला लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डन। या फिर वो ऐसे इंडेक्ट देगा, लेंथ वो आपको बहुत बड़ी देगा, रेडियस आपको बहुत छोटा देगा। तो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। तो अगर लेंथ भी छोटी देगा, रेडियस भी छोटा देगा, कंपेरेबल, फिर नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा वाला जो आज हमने किया था। हालांकि वो न्यूमेरिकल आपको किताब में मिलेगा नहीं, वो आपको वैल्यूज ही ऐसी देता है कि लेंथ बड़ी होती है, रेडियस छोटा होता है, तो इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट। तो इसमें एन पता है, आई पता है, आपको बी निकालना है। बी का फॉर्मूला लॉन्ग सोलेनॉइड का होता है क्या, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और आई का मतलब करंट आंसर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, तो बी की वैल्यू आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ो। नेक्स्ट है, सोलेनॉइड जिसकी लेंथ गिवन है एंड रेडियस गिवन है एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, 500 टर्न्स हैं, पर यूनिट लेंथ नहीं है इसका। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब आपको बी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, म्यू नॉट एन आई, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500, और लेंथ कितनी है, 0.5। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो 500 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कोई डाउट इसमें, आ गया एन आंसर आ गया, क्योंकि मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, देखो एल और आर पता है, एल बहुत बड़ा है ए रेडियस से, तो इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आप मानोगे एल तो यूज हो गया, फिर भी रेडियस तो यूज भी नहीं होता, रेडियस तो सिर्फ इसलिए गिवन होता है ताकि आप देख सकें एल बहुत बड़ा है आर से, तो इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड। कहीं आप सोचोगे आर कहीं यूज करना है, आर यूज नहीं करना होता है इसमें। तो बी इज म्यू नॉट एन आई में बी म्यू नॉट पुट कर दिया, एन की वैल्यू पुट कर दी इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी, 1000, और करंट कितना गिवन है इसमें, 5 आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसमें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज। कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, कॉपर वायर की क्या गिवन है,
रेजिस्टेंस पर मीटर, आर नी गिवन, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज यूज टू वाइंड अप 400 टर्न्स सोलेनोइड. कितने टर्न्स हैं? 400. रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है. फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलेनोइड वुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. देखो आपको इस बार सोलेनोइड का क्या दे रहा है, बी दे रहा है. सोलेनोइड के बी से क्या पता लग जाएगा, बी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वहां से आई आ जाएगा. करंट निकाल लोगे क्योंकि करंट तो गिवन ही नहीं है. आपको ईएमएफ पूछ रहा है तो करंट आ गया, रेजिस्टेंस पता है, आई इंटू आर से क्या आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी. तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या करना है, करंट निकालना पड़ेगा और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वी आ जाएगा. पर इसमें थोड़ी टर्म सेट करने वाली है. कैसे? आपको इसमें लेंथ ऑफ द वायर कितनी गिवन है, वो कह रहा है कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस पर मीटर गिवन है, 400 टर्न सोलेनोइड है जिसका रेडियस गिवन है और लेंथ गिवन है. आप एक चीज बताओ मुझे कि इसमें जो लेंथ आपको वायर की यूज वो कर रहा है वो चाहिए अभी नहीं चाहिए? मैंने निकाल तो दी, जरूरत नहीं है इसकी आपको. आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 400, और सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, 20. लेंथ कितनी है, 20. तो आप सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से आंसर निकालते हो, एन आ गया. क्लियर यहां तक? बी का फॉर्मूला यूज करते हो, बी के फॉर्मूले में करंट को ई बाय आर यूज करते हो, आर फॉर रेजिस्टेंस. अब आपको बी क्वेश्चन में गिवन है, आपको म्यू नॉट पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मैंने निकाल लिया, सिर्फ क्या नहीं पता, रेजिस्टेंस. अब वायर सोलेनोइड की कैसी होती है, ये होती है गोल 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 गोल, लंबी लेंथ है. तो रेजिस्टेंस में जो लेंथ यूज करेंगे वो ये थोड़ा यूज करेंगे, सोलेनोइड की दो लेंथ है, एक तो ऐसी लेंथ है कि गोल गोल घूमता आ रहा है, ये एल है, ये एल तो हम यूज करते हैं यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. लेकिन एक्चुअल लेंथ वायर की कितनी यूज हुई वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको रेडियस गिवन है एक टर्न का, आपको एक टर्न का रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस कितना है एक टर्न का, 2π × r, और ऐसे कितने टर्न्स हैं, 400. तो मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ एक सर्कमफ्रेंस को, तो टोटल लेंथ आ जाएगी. मैंने क्यों निकाली टोटल लेंथ, क्योंकि मेरे को टोटल रेजिस्टेंस चाहिए थी, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस जो गिवन है वो इतनी रेजिस्टेंस पर मीटर गिवन है. तो मेरे को ये तो बताओ कि कितने मीटर की लेंथ है, कितने मीटर की लेंथ है, इतने मीटर की लेंथ है. तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की. तो आप यहां पर ये देखो, तो ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये रही आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द वायर इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी. समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको दो किस्म की इसमें लेंथ गिवन होगी. एक तो लेंथ गिवन होगी ये वाली लेंथ, ये वाली, ये जो कि एल 20 सेंटीमीटर गिवन है. ये कहाँ काम आती है, एन निकालने के काम आती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और एक लेंथ ये लेंथ है लंबाई, ये लंबाई, ये देखो ये कहाँ काम आएगी, इन कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर एक्चुअल लेंथ लेनी पड़ती है. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो लेंथ में नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है आपको इसमें. नेक्स्ट देखो, अगली बार आपका ये पूरा टेस्ट है एम्पियर सर्किट लॉ की 5 एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ के आने हैं, बताया था मैंने आपको, साथ पेंडिंग कुछ नहीं, साथ आज तो बैट सर्किट लॉ है. देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार,
देखो साथ साथ पढ़ना ज़रूरी है, साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो ये गुम जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे चलने का फ़ायदा ही नहीं है। तो आप पहले प्रैक्टिस का टाइम भी लें, मैं तभी कोर्स, देखो कोर्स कवर करवाना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, आपने देख ही लिया, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं, कोर्स हमारा सबसे पहले ही ख़त्म होना है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये तो फिर भी अभी लंबा है, वॉल्यूम 1 तो फिर भी टाइम कंजम्पशन है, वॉल्यूम 2 तो थ्योरी से भरा पड़ा है, इतनी थ्योरी टन्स में थ्योरी है, टनों में थ्योरी, मतलब आप ऐसे गिरती है थ्योरी, शीट पे शीट, शीट पे शीट, शीट 30-30 शीट से एक बार भी निकल जाएंगी, आपको यार इतना पढ़ेगा कौन, थ्योरी है बहुत ज़बरदस्त उसमें। तो अभी क्या है कि वो जल्दी निकलती है, क्योंकि थ्योरी में तो करोगे क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और थ्योरी लिखने के लिए शीट ज़्यादा चाहिए, तो आसान है थ्योरी, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है, मतलब एक बार सुन लोगे तो वैसे भी तैयारी हो जाएगी। बट पॉइंट ये है कि आपको वॉल्यूम 1 में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, इसमें वॉल्यूम 1 में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम 2 में उतना न्यूमेरिकल नहीं है जितना वॉल्यूम ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है, पर वॉल्यूम 1 तो बहुत अच्छा, काफ़ी न्यूमेरिकल है इसमें। तो आपको साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी है, तभी बात बनेगी, तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। देखो इसमें अ कॉयल को हमने वाउंड किया अराउंड अ टोरॉइड, टोरॉइड याद है वो पेड़ की तरह ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो एक टोरॉइड है, जो टोरॉइड जो है वो देखने में ऐसा है, ये रहा, हैविंग इनर रेडियस ऑफ 20, आउटर रेडियस ऑफ 25। अब जो टोरॉइड है ना, उसका ये इनर रेडियस है और ये इसका आउटर, क्योंकि टोरॉइड की विड्थ होती है, जो टोरॉइड होता है उसकी विड्थ है, विड्थ कैसे है, विड्थ कुछ ऐसे है कि जैसे अगर आप टोरॉइड बनाओगे, देखो तो जैसे आप टोरॉइड बनाओगे तो ये टोरॉइड ऐसे बनेगा, ठीक है। इस टोरॉइड में रेडियस क्या लोगे मालूम नहीं, तो वो कह रहा है कि एक आउटर रेडियस है इसका और एक इसका इनर रेडियस है, ऐसे। तो ये इनर रेडियस है R1 और ये आउटर रेडियस है R2, जबकि हमने टोरॉइड में दो रेडियस कभी पढ़े नहीं, टोरॉइड में हमने तो एक एवरेज रेडियस लिया हुआ था, मुझे ये याद है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इनर और आउटर रेडियस वो दे रहा है, अब कितना दे रहा है, 20 और 25 दे रहा है। इफ़ द वायर रैपिंग मेक्स एन नंबर ऑफ टर्न्स 800, तो 800 टर्न्स की वायर है इसमें, करंट आपको गिवन है, वॉट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी विद इन द टोरॉइड। उसे जान के आर की दो वैल्यूज दी हैं, क्योंकि सबको पता है कि ए इनर है, बी आउटर है, तो बी का फॉर्मूला टोरॉइड में होता क्या है, म्यू नॉट एन आई, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ कितनी है टोरॉइड की, अब मान लो लेंथ में क्या करेंगे, लेंथ कौन सी लेनी होती है पहले ये समझ लो, लेंथ लेनी होती है ये वाली, ये लेंथ पूरी की पूरी लेंथ, ये लेंथ है 2πr इंटू नंबर ऑफ टर्न लेंथ, नहीं है जैसे सोलिनॉइड में लेंथ क्या लेते हैं, ये लेंथ लेते हैं ये l, तो ऐसे इसके अंदर यही लेंथ लेते हैं घुमा के। तो इसमें अब दो दो लेंथ हैं, एक आउटर लेंथ है और एक इनर लेंथ है, क्योंकि इनर सर्कल की लेंथ अलग बनेगी, आउटर सर्कल की लेंथ अलग बनेगी, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एक इनर रेडियस a है, तो ये इनर सर्कल की लेंथ है, ऐसे बी पार्ट में आउटर सर्कल की लेंथ है। अब आउटर सर्कल की लेंथ बड़ी है तो बी छोटा आएगा, इनर का रेडियस छोटा है तो ये छोटा है तो ये बड़ा आएगा, तो एक बी मैक्स आ गया, एक बी मिनिमम आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो बी की दो वैल्यूज क्यों आ रही है समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें दो सर्कल बनेंगे, एक अंदर का सर्कल बनेगा जो लेंथ कवर करेगा और एक आउटर सर्कल बनेगा जो लेंथ कवर करेगा, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से आंसर आएगा बी मिनिमम बी मैक्सिमम। तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो सोलेनोइड के ऊपर आपको पेपर में आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड के टर्म्स कैसे यूज़ करते हैं, क्लियर है, स्पेशली लेंथ रेडियस नंबर ऑफ टर्न्स ये कैसे यूज़ करना है इसका आइडिया आपको मैंने दिया।
यार एक और शीट थी, मैं भूल गया नंबर था ना, कौन सी शीट थी एक, ऑब्जेक्टिव में दो शीट दी थी ना, 31 है नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्वेंटी नाइन, अच्छा 30 वाली एक नंबरिंग चेंज है, 31 मिसिंग, एक असाइनमेंट मिसिंग है इसमें शायद, चलो रह गई, अगली बार करा देंगे कोई बात नहीं। ओके देखो अब ये एक फेज मैग्नेटिक इफेक्ट का ख़त्म हो गया, जिसमें हम बी की वैल्यूज़ निकालते थे, किसकी वजह से, पहला स्टार्ट किया था स्मॉल एलिमेंट की वजह से बायट सवेट लॉ, फिर हम निकालते थे फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर बायट सवेट लॉ, फिर हम निकालते थे सर्कुलर वायर और उसके सेंटर पे और एक्सिस पे बायट सवेट लॉ, फिर सोलेनोइड के एक्सिस पे, टोरॉइड के एक्सिस पे, इनफाइनाइट वायर के एक्सिस पे, शीट के ऊपर या नीचे, वायर के इनसाइड आउटसाइड, ये सारा हमने बी का काम किया। अब बी प्रोड्यूस हमें करना आ गया, बी हमें पता लग गया कि वायर्स में करंट पास करो तो बी आसपास जनरेट होता है। अब ये चैप्टर आगे चलता है और क्या इसका टॉपिक का नाम है, फोर्स ऑन अ पार्टिकल लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है, याद करो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाओ, क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स कितनी, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। अब सेम कहानी यहाँ पे चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा डिसाइड करेंगे, कितनी फोर्स लगाएगा ये चैप्टर आपको बताएगा, बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है, बस पॉइंट समझ में आया यहाँ तक। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, कितनी लगाता है ये चैप्टर आपको बता देगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिजल्ट एक बार याद कर लें, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स की वैल्यू बोलो क्यू ई। अब मैग्नेटिक की बारी है, मैग्नेटिक में सपोज एक चार्ज पार्टिकल है क्यू एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वेक्टर, मूव कर रहा है वो, और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी वेक्टर, मान लो राइट की तरफ, सच दैट इस वी वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, यानी कि थीटा एंगल पर वो मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा बना लिए। तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होती है ना, फोर्स, वो फोर्स की जो वैल्यू है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसे, क्योंकि हम कौन सी फोर्स ढूंढ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, हम कौन सी फोर्स ढूंढ रहे हैं, मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, राइट। नेक्स्ट बी के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा फोर्स एक्सपीरियंस भी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट है वी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, वी कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन जब कंबाइन करेंगे इन्हें तो क्या बनेगा, कंबाइन करके बनेगा बी क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा इसलिए क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर और मुझे वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए होगा राइट साइड पे, स्केलर नहीं चाहिए होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वन लगता है तो आपका फॉर्मूला बनेगा बी क्यू वी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्लियर है, तो ये फॉर्मूला याद करना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, प्रूफ नहीं है कि कहाँ से आया, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बी क्यू वी साइन थीटा, याद रहेगा। अब सोचो अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है
यानी कि वो किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो बोलो फोर्थ एक्सपीरियंस क्या करेगा, जीरो, वी जीरो तो एफ जीरो, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह नहीं है कि चार्ज पार्टिकल स्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस पर फोर्स लगी क्यूई, मतलब पड़े पड़े चार्ज पे ही फोर्स लगी, पड़े पड़े चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। तो अगर कोई चार्ज मूव करता है तो ही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज मूव करता हो या ना करता हो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता ही लगाता है, लेकिन इसमें मूविंग चार्ज पे तो फोर्स लगेगी, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इसमें फॉर्मूला क्लियर है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन याद करो, वेक्टर में एफ इज अ वेक्टर, क्यू इज नॉट अ वेक्टर, यहाँ पर आएगा वी इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, वी क्रॉस बी, याद करना है, बॉक्स में डालना, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी। तो यानी कि जो फोर्स एक्सपीरियंसड है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वी क्रॉस बी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक स्केलर वेक्टर दोनों क्लियर। स्पेशल केस है, अगर एंगल थीटा जीरो है, एंगल किसके किसके बीच में होता है याद रखना, वी और बी में, क्रॉस प्रोडक्ट किसका हो रहा है, वी और बी का। तो एंगल किसके किसके बीच में है, जो एंगल है वी और बी के बीच में है। तो इमेजिन करो वी और बी में एंगल जीरो है, यानी कि वी और बी में एंगल जीरो है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही चल रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही चल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या लेंगे, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर मूव करे, और हम ये सोच रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल पड़ा तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, अगर वी जीरो होगा तो भी नहीं लगेगी, रेस्ट पे पड़ा हुआ है नहीं लगेगी, रेस्ट पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा है फोर्स नहीं लगेगी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रहा है तब भी नहीं लगेगी क्योंकि एंगल क्या होगा, जीरो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो वी और बी में एंगल क्या होगा, 180, साइन 180 क्या होता है, जीरो, तो फिर भी फोर्स नहीं लगेगी। तो चार्ज पार्टिकल के साथ अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहा है, दोनों केस में फोर्स नहीं लगेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो फोर्स की वैल्यू दोनों में जीरो रहेगी। अच्छा, अगर मान लो एंगल थीटा 90 है, 90 का मतलब है बी तो इधर है, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा है, बी इधर है, चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे जा रहा है, तो एंगल थीटा क्या बनेगा इनमें, 90। तो बी क्यू भी साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 मैक्सिमम, तो फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एंगल यानी कि रोल प्ले करता है इसमें, किस एंगल पर चार्ज पार्टिकल जा रहा है फोर्स चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं था, बस क्यू ही लगाते रहते थे, ठीक है, वो आसान था। इसमें थोड़े रूल्स हैं, रूल भी क्या है, ये रूल्स आपके सामने ही तो है, और रूल की बात हो रही है तो फिर डायरेक्शन एक नया, अब तीसरी डायरेक्शन, एक तीसरा रूल आएगा, मैंने क्या, इसमें रूल ही रूल है, ये आखिरी रूल है इसका, और ये रूल से आपकी बात बन जाएगी, आखिरी रूल है इस चैप्टर का। वो क्या, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर, एंड फोर्स अगर वेक्टर है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो उस पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स कहाँ लगेगी वो आपको कौन बताएगा, लेफ्ट हैंड रूल, मेरा लेफ्ट हैंड रूल नहीं, लिख लो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का नाम दे दो भाई, अपना नहीं यूज़ करना, फ्लेमिंग का यूज़ करना है, लिख दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, गलती से लेफ्ट हैंड रूल लिख दिया मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इज्जत देनी पड़ेगी यार, नाराज़ हो जाएगा, ऐसे कैसे यार, सारी दुनिया दे रही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। पहले जो रूल थे वो अपने थे, वो मेरा बनाया हुआ रूल था, वो कोई फ्लेमिंग का रूल नहीं था, वो तो अपना एक्चुअल में पहला जो चैप्टर में करवाया वो रूल, वो तो एक्चुअल में वेक्टर से निकलता है, बाय इट्स वेक्टर फॉर्म, वो मैंने करवाया ही नहीं आपको, एक आर क्रॉस वो करो ये करो कुछ नहीं किया, बस दो देसी रूल बना दिए, ऐसे है तो ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, काम खत्म हो गया। वो मेरी बनाए हुए रूल आते थे, अदरवाइज कई बुक्स को रूल बोलती हैं, कोई वेक्टर रूल बोलता है, अपन कुछ नहीं बोलते, बस अपना राइट हैंड लो, काम खत्म कर दो। पर ये रूल अपना बनाया हुआ नहीं है, वो ये रूल फ्लेमिंग का बनाया हुआ है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, वो रूल कोई रूल्स नहीं है। एक्चुअल में तो रूल दो ही होते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट, फ्लेमिंग का राइट, राइट हैंड रूल कुछ नहीं होता, राइट हैंड तो वेक्टर का रूल होता है, ए क्रॉस बी निकाला तो वो रूल है, तो एक्चुअल मैंने वही बनाया था। चलो आगे देखो इसमें,
तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगेगा इसके बारे में अभी बात करता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उसमें दो फोर्सेज लगेंगी, एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की लगेगी क्यू ई, एक मैग्नेटिक की लगेगी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और नेट फोर्स क्या लगेगी, दोनों का वेक्टर सम, दोनों का वेक्टर सम का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, इनका वेक्टर सम, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इस फोर्स को लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं, नेट फोर्स इज लॉरेंट्स फोर्स। कहाँ काम आती है? पता नहीं कहाँ आती है, अपन तो फिर वही वेक्टर के, हमें तो यार एज अ स्टूडेंट क्या करना है, हमें हमसे कौन पूछ रहा है ऐसा, ऐसा कौन, कोई नहीं पूछता, अपने को तो ई भी गिवन होगा बी भी गिवन होगा, वेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ई इधर आ रहा है, ई की फोर्स इधर है, बी की फोर्स इधर है, फिर पैरेललोग्राम लॉ से एक्चुअल में सॉल्व होने वाला है, वेक्टर तो पैरेललोग्राम से सॉल्व होगा, हमें तो वही करना पड़ेगा। तो इसमें चलो लिखने का तरीका है तो उसने लिख दिया। फ्लेमिंग का रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं आया उसका, अभी आप मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की ही बात करो। जो आपका कुछ रूल्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो आपको पता होने चाहिए, ये रूल नहीं भी पढ़ोगे तो भी ओके, ये पेज नहीं भी पढ़ोगे ओके, तो आप लिख लो इसके ऊपर कि भाई नॉट फॉर एनसीईआरटी एंड बस ये ऐसी नॉलेज के लिए है, ठीक है, ये मतलब ये पढ़ने के लिए नहीं है, आपको ये ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाया जाएगा इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा, नहीं क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, पर एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्सेप्ट और आपका व्यू थोड़ा क्लियर कर देगा प्लस टू की इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक फील्ड को लेके, कुछ अलग ही नज़रिए से चीज़ें को देखोगे आप। क्या कुछ रूल तो चलो इम्पोर्टेंट है ही हैं जो मैंने आपको बता भी दिए। पहला रूल, स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। तो स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा। पहला रूल क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैट्स किया, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज ई तो जनरेट करता है, बी नहीं जनरेट करता, बी नहीं जनरेट करता, मैंने आपको बताया, पहला रूल क्लियर है। दूसरा, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूव करेगा, जैसे वायर में करंट चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो करंट पैदा कर गया, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर गया, तो चार्ज जब मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर ही सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है और मैग्नेटिक भी कर सकता है, दूसरा रूल भी क्लियर है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल किसे बोलते हैं, जैसे एक वायर है, या मान लो मैंने किसी मशीन से बी जनरेट कर दिया, किसी करंट कैरिंग वायर से मैंने बी जनरेट कर दिया, तो वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। क्या बताया मैंने कि अगर कोई बी प्रेजेंट है इस रूम में, चार्ज स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब वी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स उसकी जीरो होगी। मतलब इन शॉर्ट, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, चार्ज रेस्ट पे है तो वो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं कर सकता, और उसके ऊपर फोर्स नहीं लग सकती मैग्नेटिक, ये रूल है। तो बात समझ में आ रही है? तो पहला रूल, स्टैटिक चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज ई जनरेट करता है, बी जनरेट नहीं करता। चार्ज अगर मूव करता है तो मूविंग चार्ज ई भी पैदा कर सकता है और बी भी पैदा कर सकता है। तीसरा रूल, अगर चार्ज रेस्ट पे है और फील्ड बी प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती क्योंकि वी जीरो है। क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, चार्ज क्यू है, तो रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकती है, रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकती। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। बस सिंपल रूल है। कोई अगर मैं दो लाइन में रिपीट करूं पूरी थ्योरी, तो पहला रूल ये है, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक जनरेट नहीं करता। मूविंग चार्ज ई भी जनरेट करता है, बी भी जनरेट करता है। रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज
पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बस ये कहानी है। अगली कहानी है, पढ़ो ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं इसमें, सिर्फ ऐसे सुन लो और बस वाह वाह कर देना, वाह वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक, देखो और कुछ है ही नहीं इसमें करने वाला, वाह वाह करने वाली बात है। देखो बताता हूँ क्या है, मतलब मैंने भी पहली बार पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गया, अच्छा यार लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि ये तो कहानी चेंज, ये जो पेज है ये तो पूरी पिक्चर ही चेंज कर जाएगा। देखो सपोज़ करो वो कहता है कि एक वायर में करंट है, आई करंट है, कोई बंदा इस लिफ्ट में है, लिफ्ट रेस्ट पे है, और ये चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, ये आप हो, आपसे पूछा गया आप रेस्ट पे हो, आपने कहा रेस्ट पे है, आपसे पूछा गया कि इसमें करंट है, हाँ करंट है, आपसे पूछा गया कि ये करंट यहाँ पर बी जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, करंट कैरिंग वायर बी जनरेट करती है, आपसे पूछा गया क्या ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपने कहा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे था, मैग्नेटिक फील्ड बी वायर ने अप्लाई किया तो बी के अंदर रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज है, तो आपने कहा ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ऐसी है मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ज़ीरो, कोई डाउट इसमें। अच्छा आगे कहानी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, आगे देखो, अब वो कहते हैं काम करो, मान लो ये करंट आई है और चार्ज भी मूव कर रहा है वी के साथ, चार्ज मूव कर रहा है राइट, आप यहाँ खड़े हो पहले फिर आप यहाँ खड़े हो, लिफ्ट भी आगे जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ वी, पहले आपको लिफ्ट में बिठा दिया, आपसे पूछा भाई बताओ ये चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपने कहा नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि आप भी वी के साथ चार्ज भी वी के साथ और रिलेटिव मोशन ज़ीरो, तो आपने कहा चार्ज रेस्ट पे है, तो आपसे पूछा गया क्या ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपने कहा नहीं करेगा, आपसे पूछा वो क्यों, क्योंकि आपको चार्ज किस पे नजर आ रहा है, एट रेस्ट, आपको चार्ज रेस्ट पे नजर आ रहा है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे को तो चार्ज रेस्ट पे नजर आ रहा है, और वायर ने बी जनरेट किया तो आपने दिमाग लगाया भाई रेस्ट पे चार्ज है तो बी जनरेट नहीं, इसमें फोर्स नहीं लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की, आपने कहा नहीं लगेगी, डन। अब आपको खड़ाया गया ग्राउंड पे, आपने कहा आपको दिखाया गया ये चार्ज दिख रहा है, आपने कहा दिख रहा है, क्या ये चार्ज मूव कर रहा है, इसने कहा हाँ ये मूव कर रहा है, ये कहता है मूव नहीं कर रहा, ये कहता है मूव कर रहा है, तो इससे पूछा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा क्या ये चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसने कहा लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी है, बी भी प्रेजेंट है और हाँ फोर्स लगेगी। अब देखो दोनों का नजरिया चेंज हो गया, चार्ज वही वायर वही, एक कहता है नहीं लग रही, एक कहता है लग रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, दोनों का नज़रिया चेंज हो गया देखने का, ठीक है दोनों के आंसर चेंज हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब इससे पूछा गया था हाँ लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी है फोर्स तो लगेगी, रियलिटी तो ये है कि मूविंग चार्ज है तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स तो लगेगी, तो फिर इसका आंसर गलत हो गया उस हिसाब से, इसने कहा फोर्स नहीं लगेगी। इसकी जब पूरी बात सुनी गई तो इसने कहा सर यहाँ पर फोर्स मैग्नेटिक नहीं लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आ गई, इसने कहा देखो ये चार्ज किस पे है, मेरे हिसाब से रेस्ट पे, इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या लगाएंगे फोर्स, तो फोर्स तो लगेगी पर उस फोर्स का नाम मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, उस फोर्स का नाम मेरे हिसाब से क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक, तो इसने कहा इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 10 न्यूटन, लेकिन जब इससे पूछा गया इसने कहा कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे हो सकती है, ये तो चार्ज मूव कर रहा है इसमें मैग्नेटिक फोर्स है, इससे वैल्यू पूछी गई, ये कहता है 10 न्यूटन। अब दोनों ने आंसर बताया 10 न्यूटन, एक आंसर क्या दे रहा है इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, उसको तो चार्ज रेस्ट पे नजर आ रहा है, और एक अपना आंसर किस पे दे रहा है मैग्नेटिक की फॉर्म में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका सिर्फ देखने का नजरिया है कि आपको कभी वो फील्ड इलेक्ट्रिक नजर आ सकता है, आपकी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक की फॉर्म में आ सकती है और आप वही चीज आपको मैग्नेटिक की फॉर्म में नजर में आ सकती है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या है, इस पूरी कहानी का ये रिजल्ट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड जो फोर्स है इस नेचर की वो अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं, अकेली मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं, पूरी फोर्स का नाम क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स।
वो अलग बात है, हम 2 महीने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक हटा देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर 1 महीना हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक हटा देते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, दोनों फील्ड पढ़ चुके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तो इस नेचर में दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, नेचर में दोनों फील्ड इकट्ठे एसोसिएटेड हैं। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं जो आपको ये चीज ही प्रूव कर देगा, जो अगले से अगले चैप्टर में करने जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे। क्या जब इस रूम में कोई इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में अपने आप पैदा हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा इस रूम का स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पैदा हो जाता है, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन नेचर में सेम। तो अगर इलेक्ट्रिक कम हो गई तो मैग्नेटिक बढ़ जाएगी, और अगर मैग्नेटिक कम हो गई इलेक्ट्रिक बढ़ जाएगी। टोटल एनर्जी सेम है और ये दोनों फील्ड्स आपस में एसोसिएटेड हैं। वो अलग बात है कि हम कभी उसको इलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं, कभी हम उसे मैग्नेटिक का नाम देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें दोनों नाम देने पड़ते हैं, जो अगला चैप्टर हमें ये बताएगा। अगर तो ठीक है, स्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहते हैं स्टैटिक पे लगा लो, बिल्कुल फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक की प्रॉब्लम है। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है इसके बोर्ड के, करंट ऊपर भी अंदर नहीं होगा, इनवर्ड होगा 90 डिग्री पे। ये तो थ्योरी है, ये तो बस आपको कहानी सुनाई कि ये देखो ऐसी कहानी होती है नेचर में, ठीक है, मतलब ये इसलिए सुनाई है कि आपको आने वाला टाइम के अंदर चीज और क्लियर नजर आएंगी, कि अब अपना आपका नजरिया ऐसा हो गया कि अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों फील्ड इकट्ठे ही चलेंगे आने वाले टाइम में, दोनों फील्ड इकट्ठे ही चलने हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे नहीं तो आपसे, 20 मिनट का टेस्ट है। टेस्ट शुरू करता हूँ, एक टेस्ट स्टार्ट कर लूँ।